मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गवाह और विवादों में रहने वाले किरण गौसावी के लखनऊ में सरेंडर की बात से लखनऊ पुलिस ने इनकार किया है। कहा जा रहा था कि गौसावी 25 अक्टूबर की रात लखनऊ में सरेंडर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं, आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने फोर्स इकट्ठा कर रखी। जानकारी मुझे कोई नहीं है। अच्छा, क्या नहीं, मुझे किसने फोन किया, क्या फोन किया मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी मुलाकात किसी से मेरी किसी किरण गोस्वामी से बात नहीं हुई। मैं जानता नहीं कौन फोन कर रहा है, जिस आदमी को मैं जानता नहीं हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरेंडर होने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है। ऐसा कोई ग्राउंड है कि इस तरह से आदमी कॉल करके सरेंडर? नहीं, मेरे किरण गोस्वामी मेरे यहाँ से वांटेड नहीं है, ना मेरे यहाँ से वांछित है, ना कोई मुकदमा मेरे यहाँ लिखा हुआ उसके खिलाफ। मैं कौन किरण गोस्वामी है, किस मुकदमे में वांछित है, किसमें क्या है, मुझे नहीं पता। सरेंडर होने कोई औचित्य नहीं उठता। क्या आपको किसी ने फोन किया ये कहकर कि मैं किरण गोस्वामी? फोन मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, कौन किरण गोस्वामी, उसमें कौन एक्स वाई जेड, कौन क्या है, मैं नहीं कह सकता। किसी ने सर ये कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, आई है क्या करेगी? बता दें कि गौसावी को पिछले कुछ दिनों से मुंबई पुलिस तलाश कर रही है। वहीं लखनऊ में 25 अक्टूबर की आधी रात के आसपास तब अफरा तफरी मच गई, जब मुंबई के निजी जासूस किरण गौसावी ने घोषणा की कि वो मडियाओं पुलिस स्टेशन में किसी भी समय सरेंडर कर देगा, क्योंकि उसे महाराष्ट्र में खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन सरेंडर की ये अटकलें तब खत्म हो गई जब गौसावी सामने नहीं आया। वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा, गौसावी लखनऊ में सरेंडर नहीं कर सकता क्योंकि लखनऊ पुलिस स्टेशन के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं गौसावी के करीबी सूत्रों द्वारा शेयर किए गए एक ऑडियो क्लिप के मुताबिक लखनऊ के एक स्थानीय स्टेशन पर पुलिस कर्मियों ने उसे वहां आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं की गई है, बावजूद इसके यह ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। किरण गोसावी बोल रहा हूँ। तो सर मुझे यहाँ क्यों आएंगे जी? यहाँ क्यों आएंगे? मड़ियाओं की जाएंगे जी? मड़ियाओं की जाएंगे सर? मुझे जरा सरेंडर होना है सर। क्या सरेंडर होना है सर? यहाँ क्यों सरेंडर होना है जी? मड़ियाओं में क्यों सरेंडर होना है सर? क्योंकि नजदीक का पुलिस स्टेशन यही है मेरे लिए। नहीं ऐसा नहीं है जी, आप कहीं और देखिए, आप कहीं और देखिए। बता दें कि ड्रग्स पार्टी से जुड़े रेड में गवाह प्रभाकर सेल ने एनसीबी पर सादे कागज पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रभाकर ने कहा है कि इस मामले में एनसीबी की ओर से गवाह बने केपी गौसावी ने शाहरुख खान से आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की थी। साथ ही उसने एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया है कि वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।